नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा HX की और इसमें जो कमियां हमें महसूस हुई उनके बारे में। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हीरो ऑप्टिमा HX बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। कंपनी ने इसमें 550 वॉट का इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल किया है और इसकी टॉप स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्कूटर में पोर्टेबल बैटरी पैक दिया गया है जो कि सिंगल चार्ज में 70 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। इसकी KX शोरूम कीमत 53,000 रुपये है। इसके अलावा ये स्कूटर डुअल बैटरी पैक के साथ भी उपलब्ध है जो कि 120 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। इसके डुअल बैटरी पैक वेरिएंट की कीमत 58,980 रुपये है। जहां तक फीचर्स की बात है तो ऑप्टिमा HX में अप्रॉन माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB पोर्ट, 12 इंच का एलॉय व्हील, LED हेडलाइट, रिमोट लॉक सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस स्कूटर को कंपनी ने आकर्षक ग्राफिक्स से सजाया है जो कि फ्रंट एप्रॉन से शुरू होकर बॉडी पैनल तक जाता है। इसमें सटेप अप सीट के साथ सिंगल पीस पिलिंग ग्रैबरेल दिया गया है। ये स्कूटर कुल 4 रंगों में उपलब्ध है जिसमें रेड, ग्रे, ब्लू और व्हाइट कलर शामिल है। ये स्कूटर कुल 4 वेरिएंट्स में आती है। बात करें इसकी कमियों की तो इसकी पहली कमी यह है कि इसमें जो डिजिटल मीटर दिया हुआ है उसमें बैटरी कितने प्रतिशत बची है या कितने प्रतिशत है वह शो नहीं करता है। इसकी दूसरी कमी यह है कि इसका पैकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। कभी कभी इसे साफ करते समय इसके अंदर पानी चला जाता है। इसमें और अच्छा पैकिंग सिस्टम होना चाहिए। इसकी तीसरी कमी है जिसके जो चार्जिंग प्लग है उनके ऊपर कोई खबर नहीं है जिससे चार्जिंग प्लग के अंदर पानी जा सकता है। इनके ऊपर कवर होना चाहिए। दोस्तों, हमने और भी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। और अगर आपका कोई सजेशन या कोई सवाल है तो वह भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।